फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी 14 जून 2020 से 20 में। उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत सारे बयान आए उनके दोस्तों के, यारों के, फिल्म डायरेक्टर के। हर किसी ने अफसोस जताया, हर किसी ने ऊपर नीचे की बातें कही, लेकिन कल एक बयान आया और जो बयान आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, वो बयान सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का था। केके सिंह का बयान था। उन्होंने क्या कहा, कुछ शब्दों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। केके सिंह ने कहा कि पहले मेरा बेटा मुझे हर चीज़ बताया करता था जो उसके लाइफ में उथल पुथल या जो भी चीज़ें होती थी, लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे बताना बंद कर दिया। जब भी आपका बेटा या बच्चा कोई ऐसा कुछ करे तो आप ज़रूर समझिए कि उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो ज़रूर उसके मन का वो भय निकालिए और चौकस रहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो ज़्यादा बात नहीं करता उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, या फिर कहीं ना कहीं वो किसी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने ये बात कही, और जिससे साफ पता चलता है कि अकेलापन एक ज़रूर काटता था। और अंकिता लोखांडे के बारे में जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अंकिता लोखांडे मुंबई में भी उनकी इधर मिलती थी उनसे, और हमारी इधर भी आई थी घर में पटना में, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन रिश्ते टूटते हैं तो क्या कर सकते हैं, संजोग की बात है, जो टूटना होता है वो टूटता है। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछा गया था उनसे कि क्या आपको लगता है इंडस्ट्री ने किस तरह से उसे ट्रीट किया, क्या इंडस्ट्री ने उसे कहीं तरह प्रताड़ित तो नहीं किया जिस वजह से उसकी जान गई। तो इस पर उनके पिताजी का कहना है, कैसा है ना यार, जो कोई आगे बढ़ता है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए लोग रहते ही है। तो सुशांत सिंह राजपूत अच्छा चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो ऑफकोर्स जेलेसी तो हर जगह होती है, तो हो सकता है वो भी एक एंगल हो सकता है। अभी तक क्लैरिटी उनके पिताजी ने किसी तरह से नहीं की है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का, सुशांत सिंह राजपूत शादी कब करते, इस बारे में जो पूछा गया उनके पिताजी से, तो उनके पिताजी ने साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का ये कहना था कि एक बार ये कोरोना वायरस या लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक फिल्म मेरी आ रही है, वो फिल्म करने के बाद अगले साल यानी 2021 में फरवरी मार्च में वो शादी का सोचेंगे, यानी कि 1 से 1.5 साल में वो शादी भी करने वाले थे। यार पता नहीं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताते बताते मैं इतना ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट हो गया इस इंसान से, जो हमारे बीच में अभी नहीं है, कि तकलीफ़ हो रही है। और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो जस्टिस ज़रूर मिले, या फिर ये बॉलीवुड का जो नौटंकी है, ये जो नेपोटिज्म वाला नाटक है, ये थोड़ा कम हो जाए। यार नए आर्टिस्ट को आप मौका दो, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, फिल्म में लाइन हो, यार आप लोग ना नए लोगों को बढ़ावा दो, नहीं तो फिर यार हर जगह जब बोलोगे कि हमको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो फ्रेशर क्या करेगा। तो ये ऑफकोर्स एक प्रेशर तो रहता ही है। एनीवेज, आपकी क्या राय है? उनके पिताजी का बयान सुनकर मैं साफ समझ चुका हूँ कि वो बहुत ही क्लियर माइंड और निष्पक्ष इंसान है, उनको जान का गम है अपने बेटे के, क्योंकि चार बच्चे थे उनके। उन्होंने कहा कि 3 लड़कियां और 1 लड़का था मेरा, और बहुत ही मन्नतें मांगी थी, 3 साल मन्नतें मांगी थी, तब जाके पैदा हुआ था, और भगवान ने उसी को छीन लिया जिसके लिए मन्नतें मांगी थी। तो ये सब सुन के दिल बैठ जाता है। एनीवेज, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, और क्या लगता है क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया होगा, जरूर बताइए, क्योंकि उनके पिताजी ने भी दोनों एंगल को इनकार नहीं किया, मतलब पर्सनल एंगल भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में जो चल रहा था उथल पुथल, या प्रोफेशनल एंगल भी हो सकता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा।